तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज संडे है और हम लोग चल रहे हैं कुछ शॉपिंग करने। हमारे साथ में वो साथ में जा रहे हैं मेरा जो दोस्त है मोनू, और ये कुछ सामान खरीदना है हम लोगों को। तो आज हम लोग निकले हैं अभी नहा धो के। इन लोग काफ़ी देर से कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो, ये लोग नहीं निकल रहे थे। तो सामने नेस्टो है, ये देखिए नेस्टो, यहाँ चलेंगे और कुछ सामान खरीदना है। कुछ दिखाएँगे आप लोगों को नया क्या चीज़ है यहाँ पर कुवैत में, नया क्या है। आइए बने रहिए इस वीडियो में, ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये हमारे साथ मोनू भाई और मुफीस आगे जा रहे हैं। भाई कैसा है, हाल है? अस्सलाम। ये देखिए एक सेंट की शॉप है और काफ़ी अच्छे अच्छे परफ्यूम हैं। फ़ोटो नहीं दिखाना चाहती, कोई दिक्कत नहीं। जो सेलर है यहाँ की मोबाइल की शॉप, यहाँ पे सामान खरीदना है, देखते हैं। ये ग्रैंड हाइपर है नेस्टो के अंदर, अभी हम लोग यहाँ चलते हैं। पैंतालीस पीस यानी इंडिया का लगभग 70 रुपये किलो। ये प्याज पड़ेगा, तो थोड़ी प्याज लेंगे क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या बहुत कुछ खाना बनाते हैं। ब्लॉगर, ही इज़ अ ब्लॉगर। देखा कैसे कीमत चल रही है। लेकिन इंडिया में सस्ता है और यहाँ पे बहुत महंगा है। ये एक बटर है 400 ग्राम का, 100 ग्राम का इसमें 4 पैकेट है, और ये करीब इसका इसका जो प्राइस है 1 KT 495, यानी ये लगभग 400 रुपए का एक 500 ग्राम का ये बटर है। तो इंडिया से कंपैरिजन में काफ़ी महंगा है ये सामान, लेकिन आपको मिल जाएगा सब। ठीक है, और लो लोग को थोड़ा थोड़ा सामान लेता रहता था। ज़्यादा हम लोग रोज़ रोज़ खाना बनाते नहीं, कभी कदार वीकेंड पे या जब हमारी छुट्टी रहती है तो हम लोग खाना बनाना प्रेफर करते हैं। बाकी कोई ना कोई दोस्त बना के दे जाता है, हम लोग वो खा लेते हैं खाना, ज़्यादा डेली नहीं बनाते। आज छुट्टी है, आज किसी दिन अगर किसी का वीकेंड है, डे ऑफ है, तो वो खाना बनाता है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी ये हम लोगों ने ले लिया है, अभी इसमें हम लोग को टैग लगवाना पड़ेगा। पहले टैग लगवाते हैं, फिर बिलिंग काउंटर पर इसका बिल होएगा। हाँ भाई, ये तो हमने लिया है, अभी ये वेट करेंगे। वेट करने के बाद इसमें टैग लगेगा कि कितना वेट है और उसका कितना प्राइस हो रहा है। उसके बाद फाइनल हम लोग जब बिलिंग काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे बिल कराएंगे। ये राइस लगा हुआ है, रॉयल अम्ब्रेला, ये 10 किलो का पैकेट है, और ये राइस का प्राइस है 2 KD 850 पीस, मतलब लगभग आपको ये 700 रुपये का, 750 रुपये का। ये 10 किलो का चावल है, ये पूरी चावल राइस की रेंज लगी हुई है इधर। और इंडिया से कम आपको सामान यहाँ पे जो मिलेगा वो 75% 60% हायर प्राइस रहता है। और यहाँ पे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सनफ्लावर और सनफ्लावर का ही ऑयल यूज़ करते हैं। क्या लेना है? नहीं, वो बहुत महंगा है, कोल्ड ड्रिंक ले लो। वो कोल्ड ड्रिंक कितना है यहाँ पे? नहीं नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा। एक कोल्ड ड्रिंक ले लो, सब लोग पी लो। नहीं, कौन सी ले? ये ले लें, सेवन अप। ले लो सेवन अप, ये सेवन अप ले लिया है हम लोगों अपने पीने के लिए। फिश, ये अलग अलग तरह की फिशेस है इधर, देख सकते हैं। कार है, सऊदी की है, ये ओमान की है, और ये सुल्तान के नाम से कुवैत, ये कुवैत की मछलियाँ हैं जो कुवैत के समुद्र से निकलती हैं। उसके बाद सऊदी 2 KD 5 KD 3 KD झींगा, अलग अलग तरह की आपको मछलियाँ मिल जाएंगी। और
केडी जो है लगभग एक केडी से सस्ता कोई नहीं हो रहा है, 270 रुपये पर केजी से सस्ता नहीं, इससे महंगा है। और ये पूरा आइटम है, इधर आपका चिकन मटन आ जाएगा वो भी है, और यहाँ से आप पूरे से आप कहीं से भी ले सकते हैं, सारा आपको टैग लगा हुआ है। आप इंडियन रेट में अगर वीडियो में कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं, 100 फिल्स में लगभग 27 रुपये, इंडिया का 27 रुपये होता है। कुछ भी आप सामान अपने हाथ से खरीदिए, जैसे इंडिया में है लगभग उसी तरह है, ज़्यादा अंतर नहीं है। दो काउंटर यहाँ पे भी दिया है, ये कैश काउंटर नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी सामान देके उसका वेट करा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं। स्टिकर लगाने के बाद आप फाइनल जब बिलिंग काउंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपका बिल करा सकते हैं। और ये ग्रैंड हाइपर है, यहाँ पे लॉयल्टी कार्ड भी होता है, कुछ 1% जो है उसमें आपका परचेजिंग भी चढ़ता है, नेक्स्ट टाइम में आपको रॉयल्टी बोनस भी मिलता है। देखिए हम लोग वहाँ से सामान खरीद चुके हैं, अभी थोड़ा सा चाय पीना है, ये लोग पहले से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। चाय का ऑर्डर कियो कि नहीं कियो? क्या है? लोग पहले से चाय, अब ये देखिए चाय आ गई है, भाई आ गया है इसके, हम लोग अच्छे भाई चाय पीते हैं हम लोग आके, ये इनका शॉप है। अभी हमने आपको वहाँ ऊपर दिखाया चिकन ऊपर, वहाँ नहीं खाते हैं क्योंकि बहुत महंगा होता है, चार पाँच लोग भड़क रहते तो बिल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे चीप है और सस्ता है। यहाँ पे हम लोग खाते हैं चाय, स्नैक्स में कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है, खाना भी मिलता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग मोस्टली यहाँ पे चाय पीते हैं। ये देखिए तीनों बैठ गए और ये चाय पराठा के साथ चालू हैं और वो अभी इंतजार कर रहे हैं। और भैया मेरे लिए भी लगा दो चाय, एक चाय। और ये देखिए ये पराठा आ गया 75, और ये 75 फिल्स कितना हुआ इंडिया का? लगभग 20 रुपये मान लीजिए एक पराठा, 20 रुपये, क्योंकि 100 फिल्स में 27 रुपये होता है, तो 75 में आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये 100 फिल्स की चाय, एक चाय 27 रुपये की यहाँ पे पड़ती है, इसलिए रोज़ रोज़ नहीं निकलते खाने के लिए, कभी वीकेंड में निकलते हैं हम डेली खाते हैं। और ये भाई बेरोजगार आदमी है, इनके पास आमदनी ज़्यादा थी। जो कुछ बचा है सामान वो हम लोग लास्ट चांस से लेंगे, ग्रैंड हाइपर में कुछ महंगा था तो लास्ट चांस लेंगे। आगे हम लोग लास्ट चांस, लगभग 180 रुपये किलो आपको ये हरी मिर्च मिल जाएगी यहाँ पे। ये मन ज़्यादातर यहाँ पे आइटम पीस के हिसाब से नहीं मिलेगा आपको, हर चीज़ पर केजी के हिसाब से मिलेगा। ये खीरा 100 रुपये पर केजी, लगभग 150 रुपये पर केजी। ये एग का सेक्शन है पूरा, अलग अलग एग मिल जाएंगे आपको 400 रुपये, 500 रुपये, एक ट्रे के हिसाब से आपको एग मिल जाएगा। तो भाई हम लोगों ने सारी शॉपिंग कर ली है, बहुत थोड़ा थोड़ा हम लोग सामान ले रहे थे, लेकिन फिर भी लगभग 1000 रुपये के करीब करीब शॉपिंग हमारी हो गई है, जो एक हफ्ते के लिए काफ़ी है। ये सामान दो चार पांच बार हम लोग खाना बनाएंगे, और एक हफ्ते के लिए ग्रैंड हाइपर से, और कुछ सामान हम लोगों ने लास्ट चांस से ले लिया है, कुछ चीज़ें पड़ी है सामान यहाँ पे। जब आप एक सामान लेकर जाएंगे तो अगर आपको दोबारा से जाना होगा तो सारा सामान आपको यहाँ जमा कराना होगा, तो एक टोकन रहता है, ये सामान है। और बाकी मेरे पास ये टोटल हमारे सामान हो चुके हैं, लगभग 1100 रुपये की शॉपिंग कर ली है, चाय और पराठा नाश्ता हो गया है। तो भाई इस तरह के ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुएं से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं।